नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे QR कोड के बारे में, डिटेल में हम देखेंगे। कोई भी QR कोड हो, इस पर होता है तीन रेक्टेंगल्स। ये तीन रेक्टेंगल्स इतना इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एंगल पर QR कोड को रोटेट करके या किसी भी एंगल से आप स्कैन करके देख लीजिए, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, सेम इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्यों आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिलता है? क्योंकि ये तीन रेक्टेंगल्स का बेसिस पर ही स्कैनर इनका अंदर का डिटेल्स को रीड करता है। जी हाँ, तीन रेक्टेंगल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है। कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, क्या है इसका बेनिफिट्स और कितना सिक्योर है QR कोड, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। कोई भी शॉप पर या कहीं पर भी जाकर आप स्कैन करते हैं, तो अगर आपको डाउट लगता है कि ये जो QR कोड सही है या डुप्लीकेट है या गलत है, तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करें? QR कोड का डिटेल्स देखने के लिए एक एप्लीकेशन आता है, इसका नाम है गूगल लेंस। गूगल लेंस यूज करके आप उसे स्कैन कीजिए, जो QR कोड है उसे स्कैन कीजिए। स्कैन करने पर आपको मिलेगा उस QR कोड का करस्पोंडिंग डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, किसे आप पैसा भेज रहे हैं, अमाउंट कितना है, इतने ही नहीं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है हम इस वीडियो में देखेंगे। मतलब हुआ, गूगल लेंस यूज करके QR कोड स्कैन करते हैं तो QR कोड का डिटेल आपको मिलता है, UPID आपको मिलता है। UPID जो ऑनर है, बिजनेस का ऑनर है, उसे पूछिए यही UPID है, दिखाइए उसे। अगर एक्सेप्ट करता है तो ही उस QR कोड पर आप पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि आप देखिए, आजकल कुछ कुछ शॉप पर एक से ज्यादा QR कोड आपको दिखेगा, कौन सा सही है। कभी कभी एक जैसा ही QR कोड भी दिखेगा, जो ऑनर को भी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आता है UPID यूज करके आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। UPID कैसे पता करें? UPID पता करने के लिए आप गूगल लेंस यूज करके उसे स्कैन कीजिए, देखिए वो जो UPID बिजनेस ओनर का UPID है या नहीं। तो दोस्तों, एक टेस्ट मैंने किया था, एक QR कोड लिया और तीन एंगल पर मैंने उसे रोटेट करके देखा, और हर टाइम उसे गूगल लेंस यूज करके स्कैन करने पर तीनों बार मुझे सेम रिजल्ट आया। ये जो QR कोड आप देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट का है एक QR कोड, जो पेमेंट करते समय कैश ऑन डिलीवरी टाइम मुझे भेजा गया था। वो जो QR कोड स्कैन करते समय आप देख सकते हैं कई इन्फॉर्मेशन उस पर है, UPID है, कितना अमाउंट है, कौन सा करेंसी है। इसके अलावा भी डिटेल स्टोर हो सकता है, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर हो सकता है, चल उसके बारे में देखते हैं। कोई भी QR कोड हो, इस पर तीन रेक्टेंगल्स होते हैं, इनके अंदर होता है कंप्लीट डिटेल, क्या क्या डिटेल्स हो सकता है। पहला आता है किसे हम पे कर रहे हैं, ये है पहला इन्फॉर्मेशन, इसे डिनोट किया जाता है PA यूज करके। इसके बाद आता है PN, मतलब किसे हम पे कर रहे हैं, उसका पे नेम या बिजनेस नेम कुछ भी है तो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आता है MC, बिजनेस रिटेलर कैटेगरी कोड, कौन से कैटेगरी पर ये आता है, इसे डिनोट किया जाता है MC यूज करके। MC के बाद आता है TR, ट्रांजेक्शन रेफरेंस ID, ये बिजनेस स्पेसिफिक ID है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए ये यूनिक होता है। इसके बाद आता है URL, ट्रांजेक्शन रेफरेंस URL। URL के बाद आएगा AM, A means transaction amount। Amount के बाद आता है CU, CU means currency code। अगर इंडिया है तो INR दिखेगा, इसके अलावा भी डिटेल्स हो सकता है। तो दोस्तों, आगे से भी अगर आप कोई भी शॉप पर जाकर QR कोड स्कैन करते हैं, तो पहले वेरीफाई करना चाहिए ये जो QR कोड जो बिजनेस ओनर है उसका ही है या नहीं। इसे वेरीफाई करने के बाद ही अगर सही है तो ही आप उस QR कोड पर पेमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।